नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। मैं हूं आपके साथ फान्या देवांगन। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश भर में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इसी क्रम में आज राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ ब्लॉक में भी छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के ब्लॉक इकाई द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन स्थानीय तहसील कार्यालय के सामने आयोजित किया गया। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश भर में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आवाहन पर अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर विभिन्न सरकारी संगठनों में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इसी क्रम में आज राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ ब्लॉक में भी स्थानीय तहसील कार्यालय के सामने छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के ब्लॉक इकाई के बैनर तले अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर अधिकारी एवं कर्मचारी ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद रैली निकालकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और मुख्यमंत्री के नाम तहसील कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के डोंगरगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष भेल सिंह वर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि आज प्रांतीय आवाहन पर उनके द्वारा अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे डीए के बराबर डीए और एचआर देने की मांग की गई। आगे उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो उनके द्वारा आगामी दिनों में बड़े स्तर पर आंदोलन की तैयारी की जाएगी। पूरे प्रांत स्तर पे एक दिवसीय फेडरेशन के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें हमारा मुख्य मांग है महंगाई भत्ता। ये भी देय तिथि से अभी तक दिए हैं, वो केंद्र के समान नहीं दिए हैं, अलग अलग तिथियों में घोषित किए हैं। तो हमें देय तिथि से आज जो 34% महंगाई भत्ता है वो चाहिए, और दूसरा है हमारा गृह भाड़ा भत्ता केंद्र के समान, जो हमें आज तक नहीं दे रहे हैं। अभी तक जो दे रहे हैं वो 7वें वेतनमान पे मिल रहा है हमें, और केंद्र सरकार जो है पूरे गृह भाड़ा भत्ता 7वें वेतनमान से जिस दिन से लागू है उस दिन से दे रहे हैं। तो आज ये दो सूत्री मांग समस्त हमारे ब्लॉक के 31 संगठन है, वो संगठन इसमें आज शामिल हुए हैं, और ये यदि पूरा नहीं होता है तो अगले चरण में, ये आज हमारा दूसरा चरण था, अगला चरण जो है 25 जुलाई से 29 जुलाई तक 5 दिवसीय, यदि पूरा नहीं होता है तो फिर अगले चरण की समीक्षा की जाएगी अगले चरण के लिए।